हाँ बच्चों, के एन मौर्या क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ में प्रीवियस वीडियो सबसे पहले जो वीडियो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग पढ़े थे, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से पहले की पार्ट प्लेलिस्ट में छूट गया था, तो उसको आज हम थोड़ा सा उसमें से एक एक करके बता देंगे। बच्चों डाइजेशन इन बकल कैविटी, मुखगुहा में भोजन के पाचन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग छोड़ दिए थे। तो तित्त, जैसे मुख गुहा में दांत आते हैं, जीवा आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, लार ग्रंथियां, लिगुअल सब लिगुअल पैरोटिड ग्लैंड, हनु अधो हनु जीवा, कण मूल ग्रंथि, इस तरह से तित्त दांत के बारे में चर्चा किया जाए आज। ह्यूमन तित्त स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन तित्त, मनुष्य के दांत के बारे में चर्चा करेंगे। जानते हैं दांत बच्चों मुगुआ में पाया जाता है, भोजन को काटता कुतरता चबाता तोड़ता पीसता है, अर्थात हेल्प इन डाइजेशन एंड गिव द रेगुलर शेप ऑफ माउथ, मुख को निश्चित आकृति देता है और भोजन के पाचन में सहयोग करता है। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ तित्त, दांत की संरचना में मुख्य रूप से दांत के तीन ही भाग होते हैं रूट, निक एंड क्राउन, जड़, ग्रीवा एंड शिखर। जो भाग दांतों के जबड़े की हड्डियों, मुखगुहा के जबड़े की हड्डियों में धंसा रहता है वो जड़ कहलाता है, रूट जो मसूड़ों से ढका रहता है ग्रीवा, नेक और जो ऊपर भोजन के संपर्क में आता है उसको क्राउन शिखर के नाम से जानते हैं। दांत में बच्चों सबसे कड़ा भाग डेंटाइन होता है और ऊपर की जो लेयर चमकदार लेयर होती है इनामेल पर, ब्राइटेस्ट लेयर जो होती है और चमकदार भाग इनामेल होता है। इस तरह से मनुष्य के दांत की संरचना में, चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टीथ। देखिए दांत की संरचना एक रेखीय प्रदर्शन है, ऊपर ये क्राउन शिखर है, ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा और ये जड़। तो दांत के मुख्य रूप से कितने भाग हैं बच्चों? तीन भाग होते हैं। देखिए एक देखिए प्रदर्शन में हमने बताया है, जो सबसे नीचे का ये भाग है, ये दांत के जबड़े जबड़े की हड्डियों में, माउथ के जबड़े की हड्डियों में धंसा रहता है, उसी को जल रूट कहते हैं, और जो मसूड़ों से ढका रहता है ये बच्चों ग्रीवा, और जो भोजन के संपर्क में आता है वो शिखर होता है। तो जल, ग्रीवा और शिखर तीन भाग मुख्य रूप से है, रूट, नेक एंड क्राउन। डेंटिन जो है हार्डी पार्ट ऑफ दांत का, डेंटाइन जो है दांत का सबसे कड़ा भाग होता है, और इनामेल बच्चों ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ दांत का चमकदार लेयर। इनामेल जो बच्चे नस, जो लोग मनुष्य नशा करते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, निकोटीन का, उनके दांत उस निकोटीन से, निकोटीन जो है इनामेल से रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देता है, अर्थात उनके दांत चमकदार नहीं रह जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं आउटसाइड से, वो चमकदार नहीं दिखते, अर्थात उनके दांतों की इनामेल समाप्त होने लगते। अब बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, दांत का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर दांतों का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर दांतों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, ओरिजिन के आधार पर, गर्भ ग्रंथि, थीकोडांट, पहला है थीकोडांट, दूसरा है डाइकोडांट, तीसरा है हेटरोडांट। देखिए बच्चों दांत का जड़ जो है ग्रीवा गड्ढे में जबड़े की हड्डियों में धंसा रहता है, इसलिए गर्भ ग्रंथि थीकोडांट होता है मनुष्य का दांत, और डाइकोडांट द्विबाहु दंती
पूरे जीवन काल में दांत दो बार निकलता है। बच्चों में देखते हैं दांत एक बार टूट जाता है और पुनः एडल्ट होने पर दांत निकलता है, और जब वो टूटता है तो पुनः नहीं निकलता। तो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं। तो डाइफोडांट द्विबार दंती होते हैं, और तीसरा है हेट्रोडांट विषम दंती। बच्चों कोई दांत काटता है, कोई फाड़ता है, कोई चीरता है, कोई तोड़ता है, कोई पीसता है, तो ये भिन्न भिन्न कार्य इनके होते हैं दांतों को। जैसे आगे कट दांत को काटते हैं, इधर दातुन करते हैं तो फाड़ते हैं, गन्ना चूसते हैं तो फाड़ते हैं, टियरिंग टीथ, इस तरह डिफरेंट फंक्शन के होते हैं। तो इसलिए इसको विषम दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन टीथ आर ह्यूमन टीथ आर थ्री टाइप्स, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर दांत तीन तरह के होते हैं, गर्भ दंती थ्रिकोडांट, विषम द्विबार दंती डाइकोडांट, विषम दंती हेट्रोडांट, ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पर है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कार्य के आधार पर फोर टाइप्स होते हैं। कितने टाइप? कार्य के आधार पर फोर टाइप्स के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर चार प्रकार के दांत होते हैं बच्चों। तो पहला है इंसाइजर केन्तक, दूसरा है कैनाइन छेदक, तीसरा है प्रीमोलर अग्रचमलर, और चौथा है मोलर चमलर। तो कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के हुए? चार। कोई काटता है उनको केन्तक इंसाइजर कहते हैं, जो फाड़ता है टियरिंग टीथ उसको केनाइन कहते हैं, जो सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसको प्रीमोलर कहते हैं, और जो भोजन को चक्की जैसे पीसता है, महीन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को बारीक बनाता है, उसको मोलर कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कार्य के आधार पर दांत को कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया, केन्तक छेदक अग्रचमलक और चमलक, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों दांत का वर्गीकरण हम लोग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने तरह के? तीन तरह के, गर्त दंती द्विबार दंती और विषम दंती थीकोडान डाइकोडान हेट्रोडान। और कार्य के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार, कृंतक छेदक अग्रचमलक और चमलक, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को आई से, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीआरएम से, और मोलर को एम से नोट करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग डेंटल फार्मूला ऑफ मैन मनुष्य में दांत दंत सूत्र पढ़ेंगे। तो एडल्ट एंड चाइल्ड, बच्चों टू टाइप ऑफ डेंटल फार्मूला होते हैं, एडल्ट एंड चाइल्ड, बच्चे का दंत सूत्र और युवा। तो एडल्ट के दंत सूत्र के बारे में हम लोग डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 2123/2123। डेंटल फार्मूला क्या है? 2123/2123 से होता है। ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। आई जो इंसीजर है, दो ऊपर दो नीचे, केनाइन जो एक ऊपर और एक नीचे, और प्रीमोलर जो है दो ऊपर दो नीचे होता है, और मोलर जो है ये तीन ऊपर और तीन नीचे होता है। ये एडल्ट में एक क्रम होता है, इंसाइजर 2:2, केनाइन 1:1, प्रीमोलर 2:2 और मोलर 3:3। ऊपर हो गए बच्चों 2:1:3, 2:5:3, 8 और नीचे भी 8, 8/8। गणित नहीं है ये, बायोलॉजी है। तो 8/8 इसको एक मत कर दीजिएगा। 8/8 का मतलब एक जबड़े में 8 ऊपर और 8 नीचे हैं। एक तरफ जबड़े में कितने हैं? 8 दांत ऊपर और 8 नीचे हैं, अर्थात 16 हो गए, और 16 में 2 का गुणा कर दिए दोनों जबड़ों में, 32। तो मनुष्य में डेंटल फार्मूला एडल्ट में 2123/2123 है, और टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है 32, 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 ऊपर 8 नीचे एक जबड़े की तरफ, तो 16 हो गए एक जबड़े में ऊपर नीचे मिलाकर, और दोनों जबड़ों में दोनों तरफ 32 हो गए। अब बच्चों डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, बच्चे का दंत सूत्र बच्चों ये होता है 2120/2120। क्या होता है? 2120/2120। सब कुछ होता है, केवल मोलर इसमें विकसित नहीं होता है बच्चे में। तो इंसाइजर दो ऊपर दो नीचे, केनाइन एक ऊपर एक नीचे, प्री मोलर दो ऊपर दो नीचे, लेकिन मोलर 0 होता है, 0-0 होता है, मोलर बच्चे में विकसित नहीं होता है। इस तरह से ऊपर 5 दांत हो गए एक जबड़े में, और नीचे भी 5, 5-5 कितने हो गए? 10 एक जबड़े में, तो दोनों जबड़ों में 2 का गुणा कर दिएगा 20,
टोटल नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड 20, तो बच्चे में पूरे दांतों की संख्या कितनी होती है 20, और दंत सूत्र क्या होता है डेंटल फार्मूला 2120/2120, और एडल्ट में जो है कुल दांतों की संख्या 32 और डेंटल फार्मूला 2123/2123। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग क्लासिफिकेशन टीथ का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ मनुष्य के दांत की संरचना वर्गीकरण और सूत्र के बारे में अध्ययन किए। इस तरह से कुछ प्रीवियस छुट्टी हुई वीडियो आपके यूट्यूब पर आ गए हैं, उसको हम पहले लेसन का दे करके तब लास्ट यूनिट एक बचा है इकोलॉजी, उसको हम पढ़ाएंगे। इसके बीच में आपका टेस्ट भी होगा, तो वीडियो को बच्चों पूर्ण रूप से देखें। फिर कल हम लोग डिफरेंसेज पढ़ेंगे एरोबिक एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में। तो थैंक यू।